टी20 वर्ल्ड कप के बाद इन पांच खिलाड़ियों पर आईपीएल में होगी पैसों की बारिश। टी20 विश्व कप 2022 खत्म हो जाने के बाद विश्व की निगाहें भारत में खेले जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू लीग आईपीएल 2023 पर होगी। आईपीएल का 16वां सीजन मार्च अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले 16 दिसंबर को केरल के कोची में एक दिन के लिए विश्व भर के खिलाड़ियों के खरीद फरोख्त की बोली लगाई जाएगी। ऐसे में टी20 विश्व कप 2022 में अपने प्रदर्शन से फैंस के दिलों पर गहरी छाप छोड़ने वाले इन पांच प्लेयर्स पर फ्रेंचाइजी खुलकर पैसे लुटा सकती है। चलिए जानते हैं उन पांच धुरंधर खिलाड़ियों के बारे में। नंबर 5, बस डी लीड। नीदरलैंड्स के बल्लेबाज बस डी लीड ने टी20 वर्ल्ड कप में एक ऑलराउंडर के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया है। लीड बल्ले के शॉट्स लगाने के साथ साथ गेंदबाजी में विकेट चटकाने का मद्दा भी रखते हैं। उन्होंने क्वालिफायर राउंड में 3 मुकाबले में 7 तो सुपर 12 में 4 विकेट लेने में कामयाब रहे। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ हारिस रऊफ की बाउंसर का शिकार हो गए, इस दौरान आंख के नीचे गंभीर चोट भी आई। ऐसे में फ्रेंचाइजी आईपीएल 2023 में इनको खरीदने के लिए करोड़ों रुपयों की बोली लगा सकती है। नंबर 4, धनंजय सिल्वा। एशिया कप की विजेता श्रीलंकाई टीम का ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी20 विश्व कप 2022 में कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन इस टीम के ऑलराउंडर धनंजय डे सिल्वा ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 66 रनों की पारी खेली थी, साथ ही 9 रन देकर एक अहम विकेट अपने नाम किया था। ऐसे में इस खिलाड़ी को आईपीएल 2023 में डेब्यू होते हुए देखा जा सकता है। वैसे भी नीलामी के दौरान फ्रेंचाइजी ऑलराउंडर को खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। नंबर 3, सैम करन। इंग्लैंड की टीम को दूसरी बार टी20 चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी सैम करन को आईपीएल 2023 में खरीदने के लिए फ्रेंचाइजियों की होड़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज करण ने अपनी धारदार गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है, जिसके लिए विश्व कप के फाइनल में जीत के बाद मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। ऐसे में आईपीएल की जो भी टीम इस खिलाड़ी को खरीदने में कामयाब हो जाती है तो उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट को 4 चांद लग जाएंगे। नंबर 2, सिकंदर रजा। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी20 विश्व कप में काफी प्रतिभा खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपना जलवा दिखाया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान भारत जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद आईपीएल 2023 में फ्रेंचाइजी इस युवा खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए करोड़ों रुपयों की ऊंची बोली लगा सकती है। बता दें कि रजा ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफायर राउंड में बल्ले और गेंद दोनों से ही कमाल दिखाया। उन्होंने क्वालिफायर राउंड में अपने 3 मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए 82, 14, 40 रन तो वहीं गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। नंबर 1, बेन स्टोक्स। इंग्लैंड टीम के धाकड़ ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 52 रनों की मैच जिताओ पारी खेली थी। इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में महारत दिखाते हुए 4 ओवरों में 32 रन देकर इफ्तिखार अहमद को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया था। वहीं आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन स्टोक्स जैसे धाकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी, जिसके लिए फ्रेंचाइजी मोटी रकम खर्च कर सकती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।